दोस्त, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया। आज के मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और ईशान किशन 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना सके और LPW आउट होकर पहले लौट गए। उसके बाद बैटिंग नहीं राहुल त्रिपाठी, उन्होंने शुभमन गिल के साथ भारतीय पारी को संभाला। राहुल त्रिपाठी ने मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बना डाले और 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। इस प्रकार भारतीय पारी को मोमेंटम मिल चुका था और भारत का स्कोर 11 ओवर में 100 के पार पहुंच चुका था। उसके बाद शुभमन गिल ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए और मात्र 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 5 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके बाद बैट करने सूर्यकुमार यादव, वो भी ज्यादा समय तक क्रीज पर नहीं टिक सके, लेकिन 13 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और 1 चौका और 2 शानदार छक्के लगाए। सूर्यकुमार यादव के आउट होने के बाद आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल के साथ मिलकर एक बार फिर से भारतीय पारी को संभाला और 15 ओवर में भारत का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या फिलहाल शानदार बैटिंग करते नजर आ रहे हैं और 10 गेंदों पर 17 रन बना चुके हैं और 3 शानदार चौके लगा चुके हैं और शुभमन गिल मात्र 48 गेंदों पर 80 रन बना चुके हैं और अपने शतक से मात्र 20 रन दूर हैं। 8 चौके और 3 शानदार छक्के लगा चुके हैं। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 170 रनों पर 3 विकेट हो चुके हैं और अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है। देखना होगा कि बचे ओवर में भारत कितना स्कोर कर पाती है और न्यूजीलैंड की टीम को कितने रनों का टारगेट दे पाती है। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा और अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया आज का मुकाबला जीते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।